मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर सेकेंड प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक क्वेश्चन को प्रूव करना है। इसके पहले का 8 नंबर का जो क्वेश्चन था वो प्रॉपर्टी से सॉल्व करना था तो उसको नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, टेन इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0, 1। एक्स जो है वो इस क्लोज्ड इंटरवल से बिलोंग कर रहा है तो इसको हमको प्रूव करना है। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स दिख रहा है एक साइड में और एक साइड में 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो हम क्या करते हैं कि ये जो टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स दिख रहा है इसको थीटा सपोज कर लेते हैं। तो उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स इजिकल टू थीटा होगा तो टेन इनवर्स उधर ले जाएंगे आप तो अंडर रूट एक्स इजिकल टू टेन थीटा आ जाएगा, और दोनों साइड का स्क्वेयर करेंगे तो अंडर रूट एक्स का स्क्वेयर एक्स हो जाएगा और टेन स्क्वेयर थीटा हो जाएगा। और इधर आपके राइट हैंड साइड के अंदर ये एक्स दिख रहा है तो एक्स के प्लेस पे टेन स्क्वेयर थीटा रखते हैं। एक्स के प्लेस पे टेन स्क्वेयर थीटा रखने से फायदा क्या होगा, ये 1 माइनस एक्स के प्लेस पे टेन स्क्वेयर थीटा रखेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वेयर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा हो जाएगा। तो ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा अंदर, उससे आपका ये कॉस इनवर्स एडजस्ट हो जाएगा और आखिरी में थीटा आएगा तो थीटा के प्लेस पे आप टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स रख देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो पहले मैं इसको सपोज कर लेता हूं, लेट टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू थीटा, ये मैंने सपोज कर लिया। ये टेन इनवर्स को थीटा की तरफ लाएंगे तो अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा। दोनों साइड का स्क्वेयर कर लो तो अंडर रूट एक्स का स्क्वेयर एक्स हो जाएगा और टेन थीटा का स्क्वेयर टेन स्क्वेयर थीटा हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई अपने पास एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वेयर थीटा। अब यही वाली एक्स की वैल्यू मैं ये राइट हैंड साइड लेता हूं और यहां रख देता हूं तो ये कॉस टू थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, उससे अपना कॉस इनवर्स एडजस्ट हो जाएगा जो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आएगा। अब मैं इसका राइट हैंड साइड ले रहा हूं, ये वाला साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये ले लिया मैंने। अब अपने पास में वैल्यू है एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वेयर थीटा, ये रख दो डायरेक्ट। सो विच इज इक्वल टू 1/2, ये कॉस इनवर्स को ऐसे ही रहने दो, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स के प्लेस पे टेन स्क्वेयर थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स के प्लेस पे टेन स्क्वेयर थीटा, ऐसा हो गया। अब इसको देखो आप, 1 माइनस टेन स्क्वेयर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, ये cos 2 थीटा या cos 2a का फॉर्मूला है तो इसको मैं cos 2 थीटा लिख देता हूं, विच इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स और ये हो गया आपका cos 2 थीटा। ठीक है, हो जाएगा ये cos 2 थीटा। a के टर्म में आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं, cos 2a इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वेयर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर, ये थीटा था तो यहाँ पे cos 2 थीटा हो गया। अब देखिए ये cos इनवर्स से ये cos को अपन एडजस्ट कर सकते हैं लेकिन कंडीशन क्या है, ये जो 2 थीटा है ये cos इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उससे बिलोंग करना चाहिए। तो मैं इसको एडजस्ट कर देता हूं और फिर अपन वैलिडिटी में उसको चेक करके दिखा देंगे। विच इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स से कॉस को एडजस्ट कर देंगे तो ये 2 थीटा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कब होगा, जब ये जो 2 थीटा दिख रहा है आपका, ये 2 थीटा बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0, π, और ये 0, π क्या है, ये 0, π क्लोज्ड इंटरवल के अंदर ये कॉस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। अभी हम चेक करके दिखा देंगे आपको कि ये 2 थीटा इस इंटरवल के अंदर बिलोंग करता है कि नहीं करता है, करेगा वो। अब ये 2 से 2 को कैंसिल कर लो तो ये आ गया आपका थीटा, विच इज इक्वल टू थीटा, और थीटा की वैल्यू अपने पास में है थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स, विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स, और देखो ये आपका tan inverse under root x left hand side के equal आ गया, which is equal to left hand side, हो गया proof। इसको मैं check करके बता देता हूँ कि ये 2 theta आपका इस interval के अंदर belong कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके लिए अपने पास में ये condition दी हुई है, validity है, ये condition है कि x belongs to closed interval 0, 1, x की जो value है वो इस interval से belong कर रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन आर इक्वल टू 1, ऐसा लिख सकते हैं इसको, दैट इज x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन आर इक्वल टू 1, ऐसा लिख सकते हैं क्लोज्ड इंटरवल को आप। इसका मतलब है इसमें 0 भी आ गया
वन भी आ गया, जीरो से बड़ी क्वांटिटी और वन से छोटी, ऐसा भी लिख सकते हैं क्लोज इंटरवल को और ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखिए अपने को यह एक्स दिख रहा, अपने पास में अंडर रूट एक्स की वैल्यू है टेन थीटा, तो सबका अंडर रूट ले लो, तो जीरो का अंडर रूट लेंगे तो जीरो ही होगा, ये एक्स का अंडर रूट लेंगे तो एक्स, और वन का अंडर रूट लेंगे तो वन। आप इस अंडर रूट एक्स के प्लेस पे क्या वैल्यू है अपने पास में, टेन थीटा, तो अंडर रूट एक्स के प्लेस पे टेन थीटा रख दो, ये जीरो और ये अंडर रूट एक्स के प्लेस पे टेन थीटा इज लेस देन आर इक्वल टू वन। अब देखो यहाँ टेन थीटा है तो इधर टेन वाली वैल्यू रख दो आप, तो जीरो टेन में किसकी वैल्यू होती है, टेन जीरो की वैल्यू होती है, जीरो टेन में टेन जीरो की वैल्यू होती है, तो जीरो को मैंने टेन जीरो लिख दिया और ये टेन थीटा ऐसे ही रहेगा, और वन टेन में किसकी वैल्यू होती है, टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू होती है, टेन पाई बाई फोर, ऐसा लिख सकते हैं अपन इसको, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको एडजस्ट कर लो, टेन से टेन, टेन से टेन कंपेयर कर लेंगे सब, तो ये क्या हो जाएगा, इधर बच जाएगा आपका जीरो और ये थीटा और ये पाई बाई फोर, देखो ऐसा हो गया। लेकिन अपने को थीटा नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए, टू थीटा चाहिए, तो टू से मल्टीप्लाई कर लो सब में, पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन, इनइक्वालिटी के साइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जीरो में टू का मल्टीप्लाई करें तो जीरो ही होगा, और ये थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो टू थीटा, और पाई बाई फोर में टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो टू से फोर कैंसिल हो जाएगा, टू टाइम टू ये पाई बाई टू हो जाएगा। क्या मतलब हो गया इसका, टू थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो और लेस देन आर इक्वल टू नाइनटी, टू थीटा की जो वैल्यू है जीरो और टू पाई के बीच में, देखो जीरो और टू पाई इसके बीच में आएगा, जीरो तो इंक्लूड है इसके अंदर इंटरवल है तो, और 180 से छोटा आपको पाई बाई टू भी होता है, मतलब ये टू थीटा वाला एंगल इस इंटरवल के अंदर बिलोंग कर रहा है, दैट्स व्हाई वी कैन एडजस्ट दिस कॉस इनवर्स टू कॉस, ये इसकी वैलिडिटी चेक होगी, ये अपन करते हैं हर क्वेश्चन में, इसलिए अपन यहाँ कर रहे हैं, मतलब जब तक ये सेटिस्फाई नहीं होगी, ये वैलिडिटी वैलिड नहीं होगी, तब तक आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते, तो अपन हर क्वेश्चन में देखते हैं इसको चेक करके, और ये करना चाहिए, ठीक है, भले ही आप क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लो यहाँ पे और फिर यहाँ पे दिखा दो इसको सब्जेक्ट टू टाइप, ठीक। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू x बाय 2, ये आपको प्रूफ करना है। कंडीशन है x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 कॉमा पाई बाई 4, ओपन इंटरवल का मतलब है x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन पाई बाई 4, इसमें 0 भी इंक्लूड नहीं है और पाई बाई फोर भी आपका इंक्लूड नहीं है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आप देखो, ध्यान से देखने से आपको कुछ आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या ये, तो अपने को प्रूफ करना है, मतलब इधर के साइड में तो कुछ है ही नहीं, एक्स अपॉइंट टू है ये तो कुछ कर ही नहीं सकते आप, एक्स अपॉइंट टू लेके अपने को लेना ये वाला साइड पड़ेगा, है ना, तो मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व करेंगे तो एक्स अपॉन टू आएगा अपना इस कंडीशन को बिलोंग करते हुए। अब इसके अंदर अंडर रूट का नंबर दिख रहा है, तो सबसे पहला टारगेट अपना ये होता है कि अंडर रूट अपने को हटाना है, तो अंडर रूट हटाने के लिए अपन क्या करते हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर प्योर अंडर रूट की क्वांटिटी दिख रही है, तो जब अंडर रूट वाली क्वांटिटी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आ जाती है तो हम क्या करते हैं, जनरली हम उसको रैशनलाइज करते हैं, मतलब जिस चीज से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं उसी से उसको डिवाइड भी कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि डिनोमिनेटर के अंदर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी अप्लाई हो जाती है और नीचे का अंडर रूट हट जाता है और ऊपर होल स्क्वेयर का फॉर्मूला बन जाता है, तो ऊपर का भी अंडर रूट हट जाता है, ऐसा जनरली होता है और ऐसा जनरली करते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है तो बिना इसको रेशनलाइज किए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज का अगर यूज किया जाए, उसके फॉर्मूलों का यूज किया जाए, तो ये अंडर रूट के साइन अपने आप हट जाएगी। तो अब मैंने दो चीज बता दिया आपको, एक तो प्योर अंडर रूट का साइन रहता है तो वी हैव टू डू द रेशनलाइजेशन ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करते हैं कब, जब एक्स ऐसी क्वांटिटी रहती है जिसके बारे में अपने कुछ मालूम नहीं रहता, लेकिन जब अपने को यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में मालूम है तो हमको यहाँ पे रेशनलाइजेशन पे जाए बिना ही हम इसका अंडर रूट हटा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो अंडर रूट अपने आप हट जाएगा, रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब देखो ये साइन एक्स दिख रहा है, तो साइन एक्स पहले मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ फिर आगे बोलता हूँ, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन
अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स, ये कॉट है ना, ये कॉट कर दो, कॉट इनवर्स अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स, ये मैंने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया देख के। इधर हमको x बाय टू लाना है, तो अब हम आपको बता रहे थे कि यहाँ पे प्योर अंडर रूट का साइन है, तो अपन इसको रेशनलाइजेशन के थ्रू भी इसका अंडर रूट हटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यूज हो रहा है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू यूज करके भी इसका अंडर रूट हटा सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्री खेल रहे थे, हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके इस अंडर रूट के साइन को हटाएंगे विदाउट रेशनलाइजिंग। वैसे रेशनलाइजिंग भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं, उसके बिना ही अपना अंडर रूट का साइन हट जाएगा। अपना टारगेट है कि अंडर रूट का साइन हटाया जाए, वो कैसे हटाना है जिसमें अपने को सुविधा हो उसके अकॉर्डिंग अपन उसको हटा सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये साइन एक्स दिख रहा है, सब में साइन एक्स दिख रहा है, तो ये साइन ए का फॉर्मूला अगर यहाँ पे लगा दिया जाए तो ये टू साइन एक्स अपॉन टू इंटू कॉस एक्स अपॉन टू आ जाएगा सब जगह, साइन एक्स के प्लेस पर आ जाएगा। अब इस वन को देखो, साइन स्क्वायर डीटा प्लस कॉस स्क्वायर डीटा इज इक्वल टू वन होता है। अब यहाँ पे साइन एक्स अपॉन टू कॉस एक्स अपॉन टू दिख रहा है, तो इस वन को मैं कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू लिख देता हूँ, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू और ये प्लस टू साइन एक्स अपॉन टू कॉस एक्स अपॉन टू ऐसा आ जाएगा। और इस पूरे को अपन क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को अपन लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन टू प्लस साइन एक्स अपॉन टू का होल स्क्वायर। और जब cos x upon 2 plus sin x upon 2 whole square को जब आप ओपन करेंगे तो वापस हमको cos square x upon 2 plus sin square x upon 2 plus 2 cos x upon 2 या 2 sin x upon 2 into cos x upon 2 मिल जाएगा, और उस पूरे को अपन होल स्क्वायर लगा के लिख देंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा ये चारों अंडर रूट के अंदर यही वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूँ, तो विच इज इक्वल टू cot इनवर्स, बार लिखना पड़ेगा यहाँ पे बहुत छोटा छोटा लिखेंगे, इस वन को लिख रहा हूं मैं पहले वाले वन को cos स्क्वायर x अपॉन टू प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन टू प्लस ये जो साइन x दिख रहा है इसको साइन a का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला टू साइन a अपॉन टू इंटू कॉस a अपॉन टू यूज कर रहे हैं, a के प्लेस पे x है तो x अपॉन टू आ जाएगा, तो टू साइन x upon 2 into cos x upon 2। देखो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, पहले अंडर रूट मैंने 1 को cos square x upon 2 plus sin square x upon 2 लिख दिया और sin x को 2 sin x upon 2 into cos x upon 2 लिख दिया होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने के लिए, प्लस अंडर रूट जो सेकंड वाला आपका अंडर रूट है उसमें भी आप ऐसे ही कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, इस वन को लिख देते हैं कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू और ये माइनस टू साइन एक्स अपॉन टू कॉस एक्स अपॉन टू, तो यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी, ये हो जाएगा वन को कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू माइनस साइन एक्स को टू साइन एक्स अपॉन टू इंटू कॉस एक्स अपॉन टू ऐसा लिख दिया मैंने, नीचे भी यही का यही कर दो सेम, यहाँ पे प्लस वाला है वन प्लस साइन एक्स, तो ये जो आपने यहाँ पे लिखे थे फर्स्ट टर्म इसी को कॉपी कर दो, अंडर रूट वन को लिख रहे हैं कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू प्लस साइन एक्स को लिख रहे हैं टू साइन एक्स अपॉन टू इंटू कॉस एक्स अपॉन टू प्लस ये सेकेंड वाले अंडर रूट को एज इट इज ऐसे लिख दो, वन को लिख देते हैं कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू बस है माइनस साइन एक्स को माइनस टू साइन एक्स अपॉन टू इंटू कॉस एक्स अपॉन टू ऐसा हो गया, आराम से वैल्यू रख दी हमने चारों जगह। अब इसको देखो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू प्लस टू साइन एक्स अपॉन टू कॉस एक्स अपॉन टू, ये कॉस एक्स अपॉन टू प्लस साइन एक्स अपॉन टू का होल स्क्वायर हो जाए, which is equal to cot inverse, ये माइनस प्लस हो जाएगा तो एक जैसे हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा माइनस हो उसको माइनस कर दो। अब देखो पहला वाला हो जाएगा आपका cos x upon 2 plus sin x upon 2 whole square, ये a square plus b square plus 2ab की आइडेंटिटी बन जाएगी, तो ये हो गया आपका cos x upon 2 plus
साइन एक्स अपॉन टू होल स्क्वायर ऐसा हो गया, प्लस ये सेकंड वाला देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी है, तो इसको कॉस एक्स अपॉन टू माइनस साइन एक्स अपॉन टू होल स्क्वायर लिखते हैं, कॉस एक्स अपॉन टू माइनस साइन एक्स अपॉन टू होल स्क्वायर ऐसा होगा। डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही कर लो, ये कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू प्लस प्लस टू साइन एक्स अपॉन टू कॉस एक्स अपॉन टू है, इसको कॉस एक्स अपॉन टू प्लस साइन एक्स अपॉन टू होल स्क्वायर लिख लेते हैं, द रूट कॉस एक्स अपॉन टू प्लस साइन एक्स अपॉन टू होल स्क्वायर माइनस ये वाले इसमें देखिए कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू माइनस टू साइन एक्स अपॉन टू कॉस एक्स अपॉन टू है, इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर से कॉस एक्स अपॉन टू माइनस साइन एक्स अपॉन टू होल स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन टू माइनस साइन एक्स अपॉन टू होल स्क्वायर अंडर रूट में है, ये भी इसको भी अंडर रूट में लिखेंगे, आराम से रखना, बहुत सारे प्लस माइनस के साइन है। अब देखिए ये होल स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसका अंडर रूट हटा देते हैं, ये भी होल स्क्वायर है इसका भी अंडर रूट हटा देते हैं, इसका भी होल स्क्वायर है इसका सबके अंडर रूट हटा दो और स्क्वायर हट जाएगा आपको, विच इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, ये हो गया कॉस एक्स अपॉन टू प्लस साइन एक्स अपॉन टू रूट हट गया स्क्वायर भी हट गया, प्लस इसका भी अंडर रूट हटा दो तो कॉस एक्स अपॉन टू माइनस साइन एक्स अपॉन टू हो गया। डिनोमिनेटर में भी ऐसी कर लो, होल स्क्वायर है तो अंडर रूट हटा दो, ये हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन टू प्लस साइन एक्स अपॉन टू पहला वाला, और यहाँ देखो यहाँ होल स्क्वायर अंडर रूट हटाएंगे, सामने माइनस का साइन है तो माइनस साइन का इंटू करना पड़ेगा, ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स अपॉन टू माइनस माइनस का प्लस साइन एक्स अपॉन टू माइनस साइन का इंटू करना। अब देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लो, नेगेटिव साइन एक्स अपॉन टू पॉजिटिव साइन एक्स अपॉन टू गेट्स कैंसल्ड, डिनोमिनेटर में नेगेटिव कॉस एक्स अपॉन टू पॉजिटिव कॉस एक्स अपॉन टू कैंसल्ड, जो बचा उसको लिखो विच इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, यहाँ ऊपर देखो कॉस एक्स अपॉन टू प्लस कॉस एक्स अपॉन टू टू टाइम्स हो जाएगा टू कॉस एक्स अपॉन टू टू कॉस एक्स अपॉन टू, डिनोमिनेटर में ये साइन एक्स अपॉन टू प्लस साइन एक्स अपॉन टू टू साइन एक्स अपॉन टू हो जाएगा साइन एक्स अपॉन टू, ये टू से टू कैंसल्ड, इसको देखो ये कॉस एक्स अपॉन टू साइन एक्स अपॉन टू इसको कॉट एक्स अपॉन टू लिख देते हैं, विच इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट एक्स अपॉन टू। अब देखो ये कॉट इनवर्स से कॉट एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन कब, जब ये एक्स अपॉन टू आपका कॉट इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बिलोंग करेगा, क्या होती है कॉट इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ओपन इंटरवल जीरो कॉमा पाई, उसमें दिखाना पड़ेगा अपने को एक्स, ये आ जाएगा उसके अंदर, मैं दिखाता हूँ इसको भी, तो विच इज इक्वल टू कॉट इनवर्स से कॉट को एडजस्ट कर दो तो ये एक्स अपॉन टू आ जाएगा, और ये एक्स अपॉन टू लाना था अपने को, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, आगे राइट हैंड साइड, अब मैं इसको चेक करके दिखा देता हूँ आपको कि एक्स अपॉन टू, ये एक्स अपॉन टू आपका कॉट इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आता है कि नहीं, ये तो हो गया, यहाँ कर लेते हैं वैलिडिटी चेक कर देते हैं इसकी, वैलिडिटी वैलिडिटी के लिए अपने पास में जो गिवन है उसी को ले लो, एक्स बिलोंग्स टू जीरो कॉमा पाई बाई फोर है ओपन इंटरवल में, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल जीरो कॉमा पाई बाई फोर ऐसा। अब एक्स बिलोंग्स टू जीरो कॉमा पाई बाई फोर का मतलब क्या, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो और लेस देन पाई बाई फोर, दैट इज एक्स इज ग्रेटर देन जीरो और लेस देन पाई बाई फोर, यहाँ एक्स आ गया, अपने को क्या चाहिए एक्स अपॉन टू चाहिए, तो टू से डिवाइड कर लो, पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी के साइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जीरो को टू से डिवाइड करेंगे तो जीरो, एक्स को टू से डिवाइड करेंगे तो एक्स अपॉन टू, लेस देन पाई बाई फोर को टू से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा पाई बाई एट आएगा, पाई बाई टू मत कर, डिवाइड करने का मतलब वन अपॉन टू से मल्टीप्लाई करना, ध्यान से वन अपॉन टू से मल्टीप्लाई करना डिवाइड, तो ये पाई बाई एट हो जाएगा, तो एक्स अपॉन टू इज ग्रेटर देन जीरो और लेस देन पाई बाई एट, देखिए पाई बाई फोर का मतलब 45 डिग्री होता है तो पाई बाई एट का मतलब 22.5 डिग्री हो जाएगा, 22 एंड हाफ डिग्री हो गया, तो ये जो एक्स अपॉन टू है ये जीरो से बड़ा है और 22.5 डिग्री से छोटा है, तो देखो जीरो से बड़ा और 22.5 डिग्री से छोटा जो एंगल है वो जीरो और पाई के बीच में आता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं,
सेंस एक्स अपॉन टू जो है ये बिलोंग करेगा आपका किससे, ओपन इंटरवल 0, π से। ये आपकी कॉट इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, एक्स अपॉन टू 0, π से बिलोंग करेगा। तो देखो अपना एक्स अपॉन टू कितना है, 0 से बड़ा और 22.5 डिग्री से छोटा। तो देखो 0 से बड़ा और 22.5 डिग्री से छोटा एंगल इसके अंदर आ रहा है, मतलब अपन इसको एडजस्ट करके एक्स बाय टू लिख सकते हैं, तो ये वैलिड है। ये बस थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, आप किसी में थोड़ा सा ज्यादा सॉल्व करना पड़ता है, किसी में थोड़े से नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि कंडीशन किस टाइप की दी हुई और अपनी यहाँ रिक्वायरमेंट कैसी है। कभी कभी अपना यहाँ पे एंगल दूसरा, यहाँ पे सिर्फ एक्स के साथ में एंगल है, पाई बाई फोर ये हो रहता है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन उसमें करना पड़ता है। बाकी जब आपने बड़े बड़े कैलकुलेशन कर लिए थे, छोटा सा करना तो कोई वो लगता ही नहीं आपके सामने, ठीक है। तो ऐसे आप इसको करते, बढ़िया क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखने से ही अच्छा दिख रहा है, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाए, इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 + x माइनस अंडर रूट 1 - x अपॉन 1 + x अंडर रूट 1 + x प्लस अंडर रूट 1 - x इज इक्वल टू π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स x। कंडीशन दिया x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1/√2 लेस देन आर इक्वल टू 1। हिंट भी दिया है उसने, पुट x इज इक्वल टू कॉस 2θ। लेकिन ये जो हिंट दी हुई है ये आपको यहाँ पे दी हुई है, एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन आता है तो उसमें ये हिंट नहीं रहती, ठीक है, बिना हिंट के रहेगी, बुक वाले ने आपको दे दिया और कभी दे भी सकता, वैसे नहीं देता। तो अब देखिए अपने को इसको प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करने के लिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड लूंगा तो ये राइट हैंड साइड आएगा। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड लेने के पहले ही बता देता हूँ क्योंकि अपने को सपोज करना पड़ा। अब देखो लेंगे अपन इसका लेफ्ट हैंड साइड, अब इसमें ये प्योर अंडर रूट वाला नंबर दिख रहा है, तो अंडर रूट वाले नंबर को हटाने के लिए अभी पिछले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था अपने को रेशनलाइजेशन करना पड़ता है। लेकिन रेशनलाइजेशन अपन कब करते हैं, अपने पास में कुछ ऑप्शन नहीं रहते, भाई सारा अंडर रूट है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके हटा दे, लेकिन अपने पास में यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री है, तो अगर अपन इस एक्स के प्लेस पे कॉस 2θ रख दे तो बिना रेशनलाइजिंग के कॉस 2θ के ऐसे फॉर्मूले अपने पास में जो ये 1 को कैंसिल कर देंगे और होल स्क्वायर वाली टर्म आ जाएगी उसके अंदर, उससे ये अंडर रूट के बाहर क्वांटिटी आ जाएगी। तो अगर अपन यहाँ पे इस एक्स के प्लेस पे कॉस 2θ पुट कर दे तो कॉस 2θ का 1 को कैंसिल करने वाले दो फॉर्मूले हैं, एक है 1 - 2 sin²θ और एक है 2 cos²θ - 1, वो दोनों को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो पूरे अंडर रूट हट जाएंगे, अपने को रेशनलाइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स को कॉस 2θ सपोज कर लेता हूँ और वहां से जब हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये 1/2 cos inverse x जो दिख रहा है ये भी आ जाएगा, और उसका फायदा बता दिया मैंने cos 2θ पुट करने का, cos 2θ पुट करने से ये 1 कैंसिल होके आपका अंडर रूट के बाहर आ जाएगी क्वांटिटी। तो इसको पहले सपोज कर लेता हूं मैं लेट x इज इक्वल टू cos 2θ। अब देखिए यहां पर x इज इक्वल टू cos 2θ भी पुट कर सकते हैं और x इज इक्वल टू केवल cos थीटा भी पुट कर सकते हैं। अगर अपन केवल cos थीटा पुट करेंगे तो अपने को हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा, इसलिए cos 2θ पुट कर, अपॉन वाली क्वांटिटी नहीं आएगी। किसी ने x इज इक्वल टू cos थीटा पुट करके करेगा तब भी उसका आंसर सही आएगा, ठीक है। तो मैं cos 2θ को ही पुट करते हूं, तो x इज इक्वल टू cos 2θ पुट करेंगे तो ये cos को x की तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2θ इज इक्वल टू cos इनवर्स x हो जाएगा ऐसा। अब ये अपने को थीटा की जरूरत पड़ेगी तो 2 से इसको डिवाइड कर लो तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 1/2 cos inverse x। देखो ये भी आ गया अपना जो अपने को लाना था 1/2 cos inverse x, डायरेक्ट अपने पास में जब लास्ट में थीटा आएगा तो उसके प्लेस पे 1/2 cos inverse x रख देंगे तो ये आसानी से आ जाएगा और ये π/4 भी आ जाएगा साथ, ठीक है। देखो cos 2θ पुट करने का फायदा ये हुआ कि थीटा के प्लेस पे 1/2 cos inverse x आ जाएगा। मैंने आपको बताया कि थीटा 2 पुट करेंगे तब भी आ जाएगा, लेकिन थीटा 2 में हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हाफ एंगल वाला फॉर्मूला थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट होता है 2θ से। तो ये सब्स्टिट्यूशन मैंने सपोज कर लिया, यहाँ पे सोच के करना है काम। अब आप इसका एलएचएस ले लो, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan inverse अंडर रूट 1 + x माइनस अंडर रूट 1 - x अपॉन अंडर रूट 1 + x प्लस अंडर रूट 1 - x। ये है लेफ्ट हैंड साइड इसका। अब देखिए एक्स के प्लेस पे अपन ने कॉस 2θ सपोज कर ली तो कॉस 2θ रख दो, विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 + x के प्लेस पे कॉस 2θ रख रहे हैं माइनस अंडर रूट 1 - x के प्लेस पे कॉस 2θ अपॉन अंडर रूट 1 + x के प्लेस पे कॉस 2θ प्लस अंडर रूट
वन माइनस एक्स के प्लेस पे कॉस टू थीटा। देखिए आराम से आपको वैल्यू रख देना। अब देखिए कॉस टू थीटा का वन को कैंसिल करने वाले फॉर्मूले यहाँ पे प्लस वन है, तो अपन माइनस वन वाला लगा देते हैं। टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, यहाँ पे माइनस कॉस टू थीटा है तो माइनस साइन का इंटू होगा, तो प्लस वाला लगा दो, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा वाला माइनस साइन का इंटू करेंगे तो माइनस वन आ जाएगा और ये प्लस वन से कैंसिल हो जाएगा। ऐसे नीचे ऊपर लगा दो, नीचे भी लगा देते हैं। ये टेन इनवर्स अंडर रूट पहले वाले में लगा रही है वन प्लस कॉस टू थीटा को लिख रहा हूं मैं टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, क्या हो जाएगा माइनस अंडर रूट सेकेंड वाले में वन और ये माइनस साइन का इंटू करेंगे तो माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाए। फॉर्मूला आपका वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा है कॉस टू थीटा का, लेकिन माइनस का इंटू करें अपने ये वाले माइनस का तो ये वाले माइनस का तो वन प्लस वाला माइनस का हो गया, माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा आपका प्लस का हो गया। डिनोमिनेटर में भी यही के ही रख दो, यही सेम टर्म है दोनों जगह, तो डिनोमिनेटर में तो हो गया वन प्लस कॉस टू थीटा का टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन और ये प्लस अंडर रूट वन माइनस साइन का इंटू करेंगे कॉस टू थीटा के फॉर्मूले तो माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। मैंने ये वाले फॉर्मूले यूज किया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसी को, यदि कॉस टू ए इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, एक तो ये होता और एक टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, दोनों लगाए हैं थीटा के प्लेस पे ए है आपका तो ये रख देंगे। अब ये नेगेटिव वन पॉजिटिव वन कैंसल्ड, ये नेगेटिव वन पॉजिटिव वन कैंसल्ड, ये पॉजिटिव वन नेगेटिव वन कैंसल्ड, ये नेगेटिव वन पॉजिटिव वन कैंसल्ड, सब कैंसिल हो गया। अब जो बच्चा उसको देखो, विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स, यहां देखना टू कॉस स्क्वायर थीटा बचा, तो टू तो अंडर रूट के बाहर आएगा नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो मैं इसको रूट टू कॉस थीटा लिख देता हूं, लिख सकते हैं ऐसा। माइनस यहां देखिए टू साइन स्क्वायर थीटा है तो टू अंडर रूट के अंदर रहने देते और साइन स्क्वायर थीटा को अंडर रूट के बाहर निकाल देते, तो अंडर रूट टू साइन थीटा ऐसा हो गया। डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही कर दो, ये टू कॉस स्क्वायर थीटा है तो अंडर रूट टू लिख दो और कॉस थीटा को बाहर कर दो, स्क्वायर है प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा है तो अंडर रूट टू साइन थीटा हो जाए, साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट के बाहर आके साइन थीटा हो जाए। अब यहां से और यहां से अंडर रूट टू कॉमन निकाल लेते वो कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स, न्यूमरेटर से अंडर रूट टू कॉमन निकाल लो, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और डिनोमिनेटर से भी अंडर रूट टू कॉमन निकाल लो, ये अंडर रूट टू ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ऐसा बच गया। ये अंडर रूट टू से अंडर रूट टू को कैंसिल कर, हो गया। अब देखिए यहां बचा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और यहां बचा कॉस थीटा प्लस साइन, देखो अंडर रूट के साइन वाइन सब हट गया। अब बाहर अपना टेन इनवर्स है तो अपने को ऐसा करना है कि अंदर अपना टेन थीटा का फॉर्मूला बन जाए, तो अपन टेन इनवर्स से टेन को एडजस्ट कर देंगे, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को मैच करके इसको एडजस्ट कर देंगे। तो अब देखो ये कॉस थीटा है, यहाँ भी कॉस थीटा है, ये साइन थीटा है, अगर मैं इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड कर दूं तो ये वन माइनस टेन थीटा हो जाएगा और ये वन प्लस टेन थीटा हो जाएगा। वन को पाई बाई फोर रख देंगे अपन, टेन पाई बाई फोर, तो वहां पे ऊपर माइनस का साइन है तो टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको अगले स्टेप में ले लेता हूँ, उधर के पेज में विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स, वही वाले स्टेप को लिख लेता हूं एक बार, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यही वाले स्टेप थी, इसको मैंने वहां पे कॉपी कर। अब डिवाइडिंग बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, ये टेन इनवर्स, देखो ये कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे तो वन लिख देता हूं मैं डायरेक्ट माइनस, ये साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा हो जाएगा, अपॉन ये कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो वन और साइन थीटा को डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा, वन प्लस टेन थीटा ऐसा होगा।
आप चाहे तो लिख दो इधर डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने न्यूमरेटर को भी डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड किया। अब फॉर्मूला बनाने के लिए टैन इनवर्स, ये जो वन दिख रहा है इसको टेन पाई बाई फोर लिख देता हूं, टेन 45 की वैल्यू वन होती है, माइनस टेन थीटा को वैसी रहने दो, अपॉन ये नीचे के वन को ऐसी रहने दो और टेन थीटा में टेन पाई बाई फोर का मल्टीप्लाई करो, टेन पाई बाई फोर मीन्स वन इंटू टेन थीटा। फॉर्मूला ऐसा रहता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, इसलिए टेन पाई बाई फोर का यहाँ इंटू किया, नहीं तो आप ये वाले वन के प्लेस में भी आप टेन पाई बाई फोर ही रख दो, यहाँ नहीं रखना है टेन पाई बाई, फॉर्मूला बनाने के अकॉर्डिंग रखना, ये टेन ये टेन पाई बाई फोर का टेन थीटा में इंटू करेंगे तो टेन थीटा ही रहेगा। अब देखो ये बन गया टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, इट कैन बी रिटर्न टेन ए माइनस बी मीन्स टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा लिख देते हैं, विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा। इसको आप ओपन करके देख लो टेन ए माइनस बी से, तो टेन पाई बाई फोर माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन पाई बाई फोर इंटू टेन थीटा ही आ जाएगा। तो फॉर्मूला लगा दिया मैंने यहाँ पे टेन ए माइनस बी का, आप चाहे तो फॉर्मूला मेंशन कर सकते हो और नहीं भी करेंगे तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लगाया क्या है, सिंस टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, ए के प्लेस पे पाई बाई फोर है और बी के प्लेस पे थीटा। अब देखो ये tan इनवर्स से tan एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन कब, जब ये pi by 4 minus theta आपका tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ओपन इंटरवल माइनस 90 से प्लस 90 में बिलोंग करे, वो करेगा, अपन उसकी वैलिडिटी चेक करके दिखा देंगे। तो मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ दोनों को, जाएगा आपका pi by 4 minus theta, लेकिन ऐसा कब होगा, ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये जो आपका एंगल है pi by 4 minus theta belongs to open interval minus 90 से plus 90 में belong करना चाहिए, minus 90 से plus 90 open interval, ये tan inverse x की principal value branch है। अभी अपने पास में theta की value होगी, यहाँ पे 1 upon 2 cos inverse x रख देते हैं, तो ये हो गया आपका pi by 4 minus 1 upon 2 cos inverse x, और यही आपको प्रूव करना था, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देखो यही प्रूव करना था कि मेरा राइट हैंड साइड पाई बाई फोर माइनस वन अपॉन टू कॉस इनवर्स एक्स, वन अपॉन पाई बाई फोर माइनस वन अपॉन टू कॉस इनवर्स एक्स आ गया। अब ये वैलिडिटी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूं, वैलिडिटी जो वैल्यू गिवन है अपने को, देखो क्या गिवन है, एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट टू और लेस देन आर इक्वल टू वन, x is greater than or equal to minus 1 upon root 2 and less than or equal to 1, यही है। अब अपने पास में x की वैल्यू क्या है देख लो, जो अपन ने सपोज किए थे x is equal to cos 2 theta है, cos 2 theta तो मैं x के प्लेस पे cos 2 theta रख दे रहा हूं, ये हो जाएगा आपका minus 1 upon root 2 x के प्लेस पे cos 2 theta less than or equal to, यहाँ पर कॉस है तो ये माइनस वन अपॉन रूट टू और वन कॉस में किसकी वैल्यू होगी, माइनस 45 की नहीं होगी क्योंकि माइनस 45 की वैल्यू तो प्लस वन अपॉन रूट टू हो जाएगी, क्योंकि कॉस क्या करता है माइनस साइन को कंज्यूम कर लेता है, तो कॉस की जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होती है, 180 माइनस 45 मतलब कॉस 135 डिग्री की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो वो आपकी माइनस वन अपॉन रूट टू होती है। मैं इसको लिखता हूँ कॉस 3 pi by 4 का मतलब होता है 135 डिग्री, cos 135 डिग्री की आप वैल्यू निकाल के देखो तो वो माइनस वन अपॉन रूट टू है, कैसे, cos 135 डिग्री को अपन क्या लिख सकते हैं, cos 180 माइनस 45 लिख सकते हैं, 180 माइनस 45 आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos माइनस होता है तो ये माइनस आ जाएगा, और 180 वाले में नो चेंज तो माइनस cos pi by 4 हो जाएगा, माइनस सामने रहेगा और cos pi by 4 की वैल्यू 1 अपॉन रूट टू, तो माइनस 1 अपॉन रूट टू कैन बी रिटर्न cos 3 pi by 4।
और ये cos 2 थीटा है, और 1 cos में किसकी वैल्यू होती है, ये होती है आपकी 0 की वैल्यू, cos 0 की, उसको लिख दिया मैंने cos 0 है। अब देखिए ये cos 2 थीटा है, इधर cos 0, इधर cos, सब cos cos है, तो सारे cos को हटा देते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये इधर बचेगा आपका 3 पाई बाई 4, ये लेस देन आर इक्वल टू, और ये 2 थीटा और ये 0। अब देखना यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इनइक्वालिटी पे ख्याल करना, क्योंकि cos थीटा जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, cos 0 के ऊपर उसकी वैल्यू 1 होती है और cos 90 के ऊपर वैल्यू 0 होती है, तो ऐसा डिक्रीज होते हुए आता है फंक्शन। तो अब यहाँ देखो यहाँ बात कुछ ठीक नहीं लग रही कि 2 थीटा वाला जो एंगल है वो 3 पाई बाई 4 से बड़ा है और 0 से छोटा है, 0 से छोटा तो इधर निकल गया, 3 पाई बाई 4 से तो उधर निकल गया, ऐसा इनइक्वालिटी फैल गई ना, मून का इधर का उधर हो गया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो इनइक्वालिटी का साइन है इसको फ्लिप करना पड़ेगा, इसका रीजन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो मैं इसको फ्लिप करता हूँ। यहाँ पे ये अभी ग्रेटर देन था तो इसको लेस देन आर इक्वल टू करना पड़ेगा, और ये वाला आपका लेस देन था यहाँ पे तो इसको ग्रेटर देन आर इक्वल टू करना पड़ेगा, ऐसा कर दो इसको। अब ये सही जम गया, देखो 2 थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, 2 थीटा 0 से बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा, और 3 पाई बाई 4 मतलब 135 से छोटा होगा या इसका, हो गया ना सही। ये इनइक्वालिटी कैसे फ्लिप होती है आपको बताया मैंने, पहले बता चुका हूं मैं आपको कि जैसे 2 इज ग्रेटर देन 1, लेकिन आप माइनस साइन का दोनों साइड इंटू करें तो माइनस 2 इज ग्रेटर देन माइनस 1, यदि आपको लिखना है माइनस 2 और इधर माइनस 1, तो आपको इनइक्वालिटी के साइन को फ्लिप करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस 2 इज लेस देन आर इक्वल टू माइनस 1 होता है, माइनस 1 से छोटा होता है, तो इनइक्वालिटी फ्लिप होती है आपको मालूम होती है। यहाँ पे इनइक्वालिटी को मैंने फ्लिप कर दिया, जो ग्रेटर देन था वो लेस देन आर इक्वल टू, और जो लेस देन आर इक्वल टू था वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि कोसाइन फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, आप उसका ग्राफ देखेंगे, मैं एक सिंपल वैल्यू आपको बता रहा हूँ कि 0 के ऊपर कॉस की वैल्यू 1 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 और कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ऐसी वैल्यू उसकी डिक्रीज होती हुई आती है, दैट्स व्हाई वी हैव टू चेंज द या फ्लिप द इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी को मैंने चेंज कर लिया, कोई रीजन होना चाहिए अपने पास में उसको फ्लिप करने का, ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिक आपने उठा कहीं भी कर दिया। तो ठीक है, अब ये सही जम भी गया आपका, 2 थीटा 0 से बड़ा है या उसके इक्वल है, और 3 पाई बाई 4 से लेस है या उसके इक्वल, ठीक है। इसको लिख सकते हैं अपन, 2 थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन आर इक्वल टू 3 पाई बाई 4, ऐसा ठीक से लिख दिया, इसको चेंज करके लिख सकते हैं अपन इसको, यहां इसका मतलब भी यही था, 2 थीटा इज लेस देन आर इक्वल टू 0 था और 2 थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 था और 2 थीटा इज लेस देन आर इक्वल टू 3 पाई बाई 4 था, उसी को मैंने यहाँ लिख दिया, 2 थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन आर इक्वल टू 3 पाई बाई 4। अब यहाँ पे अपने को पाई बाई 4 माइनस थीटा चाहिए, तो पहले थीटा बना लो, इसको 2 से डिवाइड कर दो, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो थीटा हो जाएगा, एक ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे आप, 2 से डिवाइड करने का मतलब 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 पाई बाई 8 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करने का मतलब 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 पाई, थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू 3 पाई बाई 8 आया, लेकिन अपने को थीटा नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए, माइनस थीटा पाई बाई 4, तो पहले माइनस थीटा बनाने के लिए, तो पहले माइनस थीटा बनाने के लिए माइनस 1 से इंटू करते हैं, तो आपको पता है कि ये माइनस 1 का इंटू करा मैंने माइनस थीटा यहाँ पे, तो जब नेगेटिव क्वांटिटी से अपन मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी फिर से फ्लिप हो जाती है, अभी ये थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो ये लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा, और 0 में माइनस 1 का इंटू करेंगे तो 0 0 ही होता है, वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता, तो इसको 0 दिखेगा, ऐसा होगा, और यहाँ पे इस साइड में आप माइनस 1 का इंटू करेंगे तो ये माइनस 3 पाई बाई 8 हो जाएगा, और अभी ये लेस देन आर इक्वल टू है तो ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 3 पाई बाई 8, बहुत ध्यान से करना है आपको, नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी को फिर से फ्लिप करना आप, अब ये माइनस थीटा आ गया अपने पास में, अपने को पाई बाई 4 और चाहिए इसके, अब तो पाई बाई 4 को प्लस कर दो सबने, 0 में पाई बाई 4 को प्लस करेंगे तो पाई बाई 4 इसको ऐसे ही रहने दो, ये पाई बाई 4 प्लस करें यहाँ पे माइनस थीटा, इसको भी ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे पाई बाई 4 प्लस कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा सॉल्व करके लिखता हूँ, देखो ये माइनस 3 पाई बाई 8 है, इसमें पाई बाई 4 को प्लस करेंगे तो क्या होगा, मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, 8 आपका एलसीएम आ जाएगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस 3 पाई बाई हो जाएगा, 3 पाई हो जाएगा, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 पाई, तो माइनस 3 पाई प्लस 2 पाई क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 8 हो जाएगा आएगा, तो मैं इसको माइनस पाई बाई 8 लिख दे रहा हूँ,
ये हमने पाई बाई फोर प्लस करने के बाद आया है, यहाँ दिखाया मैंने। अब देखो इसको अपन थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, ये क्या दिख रहा, पाई बाई फोर माइनस थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इसके ग्रेटर है और इससे लेस है, तो इसको पहले लिख दो इसको बाद में कर दो। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, पाई बाई फोर माइनस थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस पाई बाई एट, वही लिखा हुआ है, और लेस देन आर इक्वल टू पाई बाई फोर, ऐसा आ गया। देखो वही चीज लिखी हुई है जो यहाँ लिखी थी मैंने, ये देखो ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो मैंने यहाँ से लिखा है पाई बाई फोर माइनस एट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस पाई बाई एट, और यहाँ पे देखो पाई बाई फोर माइनस एट इससे लेस था पाई बाई फोर से, तो लेस पाई बाई फोर, वही लिखा हुआ है, ठीक है समझ आ रहा। अब देखो ये एंगल बन गया आपका, पाई बाई फोर माइनस थीटा इज ग्रेटर देन माइनस 22.5 है ये, माइनस पाई बाई एट का मतलब 22.5 है, तो माइनस 22.5 डिग्री से बड़ा है और प्लस 45 डिग्री से छोटा है या उसके इक्वल है। तो देखो माइनस 22.5 डिग्री, माइनस 22.5 और 45 आपका इस इंटरवल के अंदर आता है क्या, आता है, माइनस 90 से बड़ा है और प्लस 90 से छोटा है क्या, माइनस 22.5 और प्लस 45 इस इंटरवल के बीच में आ रहा है। इसका मतलब अपन इस टेन इनवर से टेन को एडजस्ट करके ये पाई बाई फोर माइनस थीटा लिख सकते हैं, ये हो गई इसकी वैलिडिटी चेक। देखो बहुत सारा काम था इसके अंदर, ठीक है, और ये अपने राइट हैंड साइड इसका प्रूफ कर दिया, पाई बाई फोर माइनस वन अपॉन टू कॉस इनवर्स एक्स। अच्छा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन, ये वैलिडिटी ध्यान से, और अपन ऐसा काम पहले भी कर चुके हैं, इसको फ्लिप करना ये करना, तो काफी प्रैक्टिस हो गई, बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने किए, तो बड़े काम की चीज है ये, तो ये हो गया आपका।